But yesterday we had started with the difference between micro and macro economics. We have already discussed two bases on which we can differentiate micro and macroeconomics. Coming to the third basis, which is tools. This is another basis on which we can differentiate between micro and macroeconomics. तो बेटे माइक्रोइकोनॉमिक्स में जनरली जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई. एज यू विल स्टडी दिस सब्जेक्ट फर्दर यू विल कम टू नो अबाउट इट द वेरियस वेदर वी वांट टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वेदर वी वांट टू डिटरमिन यू नो द प्राइस ऑफ फैक्टर वी मेक यूज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई राइट. एंड इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स we make use of tools like aggregate demand and aggregate supply. So you can write it down. Third basis is that of tools. Demand and supply are demand and supply of a particular commodity or factors of production are the main tools of microeconomics. Are the main tools of microeconomics. And right on the side of macroeconomics, aggregate demand and aggregate supply of the whole economy are the main tools of macroeconomics. Aggregate demand and aggregate supply are the main tools of macroeconomics, right? Fourth basis, bete. We can take as degree of aggregation, degree of aggregation. Microeconomics में हम units को aggregate नहीं करते, individual units को study करते हैं और अगर aggregation है तो वो बहुत कम degree की है, ठीक है? For example, we make study of firm. And we also make study of industry, which is group of firms producing similar kinds of goods. So limited aggregation is there. लेकिन हम पूरी economy के production units को इसमें study नहीं करते. वो हम किसमें study करते हैं? Macroeconomics में study करते हैं. ठीक है? तो macro में aggregation ज्यादा है, degree of aggregation ज्यादा है. Whereas micro में degree of aggregation जो है वो कम है. So you can write the basis degree of aggregation. Micro mein likhe, microeconomics studies individual units. There is only a limited degree of aggregation. There is only a limited degree of aggregation. For example, market supply is obtained. Market supply is obtained by taking the sum total of individual supply units. Individual units supply karo. या इंडिविजुअल सप्लाई भी ठीक है. वर्ड सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ऑल दी सेलर्स ऑफ ऑल द सेलर्स. ठीक है? और उधर लिखिए मैक्रो में मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स of economy. Macroeconomics is the study of aggregates of the economy
So there is a high degree of aggregation here. There is a high degree of aggregation here. Done, bete? नेक्स्ट लास्ट बेसिस डिफरेंस तो हम बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं बट आपके लेवल के हम आई थिंक दिस वॉज द फोर्थ नाउ फिफ्थ आई एम डिस्कसिंग बेसिक अजम्पशंस बेसिक अजम्पशंस बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं या आउटपुट किसी भी इंडिविजुअल फर्म का डिटरमिन करते हैं तो उस केस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहें, ठीक है. टू प्रूव एनीथिंग और टू यू नो डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वी ऑलवेज हैव टू टेक द अजम्पशंस. अगर हम कहें कि हाँ खाने पीने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्दी खाने से हेल्दी हेल्थ भी रहोगे, अच्छी सेहत रहेगी, पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आपकी जो जीन्स हैं वो ठीक हैं. आपका ऐसा ना हो कि आप हेल्दी खाना भी खाते हो लेकिन फिर भी किसी पर्सन को कोई यू नो प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उसके जेनेटिक वो थी, हेरिडिटरी प्रॉब्लम थी, ठीक है. सो सम थिंग्स वी हैव टू अज्यूम कि हाँ इन चीजों को कॉन्स्टेंट मान के चले तो इनमें रिलेशन ऐसा है. तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं. दैट इज वी अज्यूम दैट टोटल लेवल ऑफ आउटपुट रिमेंस कांस्टेंट, वी अज्यूम दैट टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेंस कांस्टेंट. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटे, जब हम यहाँ पर हम नेशनल लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमिन करते हैं, नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम डिटरमाइन करते हैं, तो हेयर वी अज्यूम माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, माइक्रो वेरिएबल्स यानी जो कि इंडिविजुअली इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, वो इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करते, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. Got it? So note it down. In microeconomics, excuse me, price and output determination, price and output determination of commodity is studied is studied while assuming macro variables, while assuming macro variables, bracket mein likh lo, for example total output, total employment, bracket close, to be constant, while assuming macro variables to be constant. Udhar likhiye, in macroeconomics, national income or output, output or income interchangeable terms hoti hai bete, national output or income is studied while assuming micro variables for example distribution of income, for example distribution of income to be constant.
Okay. Coming to the next positive and normative aspects or perspectives of economics. Positive and normative perspectives of economics. बेटे साइंस जो है वो दो तरह की होती है. इट कुड बी अ पॉजिटिव साइंस, इट कुड बी नॉर्मेटिव साइंस. नाउ देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स. सम इकोनॉमिस्ट्स कंसिडर इकोनॉमिक्स टू बी अ पॉजिटिव साइंस, सम इकोनॉमिस्ट्स कंसिडर इकोनॉमिक्स टू बी अ नॉर्मेटिव साइंस. हाउ कैन यू डिसाइड वेदर इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और ए नॉर्मेटिव साइंस? For that, you should know what exactly is positive science. हम positive science किसको बोलते हैं और normative science क्या होती है? So positive science के बारे में अगर हम बात करें तो बेटे positive science वो होती है जो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी phenomena के बारे में उसके what is बताती है. It tells us what is of any phenomena. ठीक है, ये बताती है किसी भी phenomena का कारण क्या है. एक कोई भी phenomena है जैसे कि inflation है, ठीक है, तो positive science ये बताएगी what is inflation, how is inflation caused, what are the various types of inflation. ये सारी चीजें एक positive science बताती है. That is, it tells us the cause and effect relationship of a phenomena. So in that ways, economics can be treated as a positive science because it tells us what is. ये हमें बताती है inflation क्या है, unemployment क्या है, ठीक है, inequality of income क्या होती है, ये किस कारण से आती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक्स बताती है. ठीक है, सो इन दैट सेंस इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस. सो लेट मी गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच डील्स इकोनॉमिक्स एज ए व्हिच डील्स विद इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस. अगर मैं आपको बोलूं बेटे इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑन you know, for the census, 31st March 2000, say 21 is 112 crore. ये जो statement है, ये क्या बताती है कि population कितनी है, fact के बारे में बता रही है. ये fact को कोई solution नहीं बता रही, या क्या होना चाहिए ये नहीं बता रही. आज के इंडिया के COVID cases इतने हैं, ठीक है, कल के कंपैरेटिवली इतने ज्यादा है, या कोविड का ग्राफ जो है अब इंडिया में डाउन जा रहा है, ये सारे फैक्ट्स जब एक साइंस बताती है उसको हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं. ठीक है, पॉजिटिव साइंस इज द साइंस व्हिच टेल्स अस व्हाट इज ऑफ द फिनोमेना और प्रॉब्लम. It explains the cause and effect relationship of the phenomena. Some statements showing economics as a positive science. बेटे जो भी statement fact बता रही है ये हो रहा है वो positive science होती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू नॉर्मेटिव साइंस. नॉर्मेटिव साइंस उसको कहा जाता है जो कि ये बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए ऑफ द फिनोमेना. इट डज नॉट टेल अस व्हाट इज, इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी,
क्या होना चाहिए, ठीक है. सो इट टेल्स, इट बेसिकली फोकसेस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ये सिंपली ये नहीं बताती है कि प्रॉब्लम क्या है, ये बताती है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि अगर ये बताया गया कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, और अगर साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि इन्फ्लेशन कैसे दूर हो सकती है, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो देन दैट एस्पेक्ट विच इज फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन इज द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और साइंस. राइट, नॉर्मेटिव साइंस इज द साइंस which tells us what ought to be. It gives you solutions to the various problems. Right? So, here I am telling India, I'm giving you one statement, should control its population growth rate. In order to ensure food security, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में कोई भी पर्सन भूखा नहीं मरे, हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं, तो इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी. इंडिया शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, इंडियंस शुड वियर मास्क इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ COVID-19. So, यहां पर सोल्यूशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है. सो दिस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव. सो नाउ यू टेल मी, इज इकोनॉमिक्स दैट इज द साइंस विच वी आर स्टडिंग नाउ, इज इट अ पॉजिटिव साइंस और ए नॉर्मेटिव साइंस? आप बताइए ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है. एनीवन, क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ ये बताती है कि क्या है या ये बताती है कि क्या होना चाहिए, या ये दोनों के ऊपर फोकस करती है? इट फोकसेस ऑन बोथ व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी. सो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड बोथ एज ए पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस. ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस. क्या बोला? कैपिटल फॉर्मेशन आर अंडरटेकन. ओके, नाउ बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? आप अपने टर्म्स में, अभी तो जब से कोविड हुआ है, अगर आप न्यूज के इन टच रहते हैं, तो ये वाली इकोनॉमी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई, ठीक है, रिसेशन आ गया, यूएस इकोनॉमी में ऐसे हुआ. वी बीन हियरिंग दिस टर्म. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमी? बेटे, इट्स नथिंग, इट्स द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज undertaken in a particular area or a particular region. If you are interested in knowing the economy of India, so you have to take the sum total of economic activities taking place in whole of the India. If you are interested in knowing the economy of Punjab only, aap ye dekhna chahte ho ki Punjab ki economy kitni affect hui hai, ya Punjab ki economy ko study karna chahte ho, so you have to take the sum total of Punjab economy. Is the sum total of economic activities undertaken in whole of the Punjab. So, बेटे, economy basically एक framework होता है जिसमें सारी economic activities हो रही हैं. Economic activities कौन सी होती हैं? Production is an economic activity. ये हमने stats में जब economics को introduce किया था तब पढ़ा था. Consumption is an economic activity. Capital formation यानी investment is an economic activity. So, जब भी हम बेटे किसी भी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नेचर और लेवल के बारे में जानना जानते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. सो नथिंग, इकोनॉमी इज नथिंग, इट्स द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए पर्टिकुलर region, or it is a framework within which all the economic activities are taking place.
The study of economy tells us about the nature of economic activities taking place. जैसे इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की नेचर क्या है. आर वी फोकसिंग ऑन द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेवल हमें किससे पता चलेगा? क्वांटम से. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, तो हम कहेंगे हमारा लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है. So the study of economy focuses on the study of nature and the level of economic activities of the country. ठीक है? So this was all about economy. It refers to the economic activities of the particular region. Basic activities of the economy are production, consumption and investment, जिसको हम capital formation भी कह देते हैं. Then size of economy. एक इकोनॉमी का साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इकोनॉमी इज अ सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इसका साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपॉन द साइज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक कंट्री में हो रही होंगी, उतने ही ज्यादा उसकी इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा. इज इट क्लियर? यू पीपल आर शिफ्टिंग ओवर टू कैनेडा, यूएस, क्योंकि आप कहते हो वहां पे काम बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों है? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, तो इसीलिए इसका मतलब वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई दैट इकोनॉमी इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू इंडिया. गॉट इट बेटे? सो दिस इज ऑल फॉर टूडे. रेस्ट वी विल डिस्कस टूमोरो.